पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और कल एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इससे पहले मेरठ में बड़ी रैली हुई थी और अब कल यानी 6 अप्रैल को सहारनपुर के दिल्ली रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी चुनावी जो सभा है वो यहाँ पर होने जा रही है। सभा को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था यदि बात करें तो ज़मीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी है। और जो स्थल है, सभा स्थल है जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे, उस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन में भी कन्वर्ट किया गया है। कोई भी एक्टिविटी जो है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक नहीं होगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कल सुबह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर रहेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए सहारनपुर में मौजूद रहने वाले हैं। एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से पहले सहारनपुर में जो राजपूत समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अभी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से खफा नज़र आ रहे हैं। एक पंचायत उन्होंने आहूत की है जो 7 अप्रैल को होनी है, यानी कि परसों वो पंचायत होनी है, लेकिन उससे पहले उन लोगों की तरफ से एक मैसेज जरूर कन्वे किया जा रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य दलों के जितनी भी सभाएं या रैलियां हों 7 अप्रैल की पंचायत से पहले वो लोग किसी भी पार्टी की सभा में ना जाएं। 7 अप्रैल को जो राजपूत समाज है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनाएगा और उसके बाद ही फैसला लेगा कि आखिर किस पार्टी को समर्थन करना है। कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजपूत बिरादरी से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध भी उनकी तरफ से किया गया है। हालाँकि उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को मनाने के लिए जो स्थानीय नेता हैं स्थानीय स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि कल जब ये प्रोग्राम होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन राजपूत बाहुल्य क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और उनका जो गुस्सा बना हुआ है उनको शांत करने की कोशिश भी जो है सीएम योगी की तरफ से की जाएगी। लेकिन अभी भी कई गुट ऐसे हैं राजपूत समाज के जो कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर जो आक्रोशित है। विशेषकर जब लोकसभा टिकटों की जब वितरण हो रहा था तो उस वक्त राजपूत समाज के लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पश्चिम के कई जिलों में राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया गया। गाज़ियाबाद में जो जनरल के सिंह थे उनका टिकट काटा गया, इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है और कई जगह पर प्रत्याशियों का विरोध भी उनकी तरफ से किया गया है। तो कल की रैली को लेकर भी एक मैसेज कन्वे जरूर हो रहा है कि जो राजपूत बिरादरी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी की रैली में ना जाएं। विशेषकर यही नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, किसी भी रैली में वो ना जाएं जब तक समाज कोई फैसला नहीं लेता। जो राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह वो लगातार बैठ के कर रहे हैं ठाकुर बाहुल्य क्षेत्रों में जा जाकर और लोगों से पंचायत में जुटने का आह्वान भी कर रहे हैं। लेकिन कल क्या इस रैली के अंदर ठाकुर समाज के लोग उपस्थित रह पाएंगे या कोई फैसला हो सकता है उनको लेकर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन रैली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर और पार्टी स्तर पर भी तैयारियां पूरी हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। माना यह भी जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री के सहारनपुर आने से पहले ही जो नाराज चल रहे हैं ठाकुर समाज के लोग उनको मना लिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर नेता भी बातचीत लगातार उनके नेताओं से कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों से। इसके अलावा जो मंत्री हैं या फिर अन्य सोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी उनको समझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।